सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। और दोस्तों अभी हम बात करेंगे इस एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम बोइंग था और बोइंग इंटरनेशनल, जो कि कैपलर और बीटी के जैसा ही एप्लीकेशन लग रहा था। दोस्तों इसकी एक नई अपडेट आई है जो कि अभी एक कल की डेट में अपडेट वो पता चली है, तो आपको वो अपडेट मैं बताना चाहूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट बस इतनी है कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखो, लास्ट तक देखो और अपडेट पूरी अच्छे से जानना, वरना आपको जो है अगर आप लोग अपडेट नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप लोग बोइंग में काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि ये अपडेट जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मुझे टेलीग्राम चैनल पे ही सबसे पहले मैंने डाली थी, तो इसको जरूर से जरूर आप लोग ज्वाइन कर लें। फिलहाल तो अपडेट की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस टाइप का था। इस एप्लीकेशन में मैंने ऑलरेडी काफ़ी लोगों को बोला था कि इसमें आप वर्क करना चाहो तो वर्क कर सकते हो। फिलहाल तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है और एक नई अपडेट, बहुत ही अच्छी अपडेट है। और चाहे तो आप कुछ दूसरे टाइप के समझ सकते हैं, जो यूज़र बीटी एप्लीकेशन के यूज़र हैं या कैपिटल के यूज़र हैं उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है वो लोग भी इस वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है बीटी में या फिर बोइंग में, उनके लिए सभी के लिए एप्लीकेशन की जो अपडेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों अपडेट के लिए हमें इनके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर चलना पड़ेगा, जो कि किसके मतलब आप समझ सकते हो, बीटी जो कैपलर था उसका एक पहले एक टेलीग्राम चैनल हुआ करता था, बट उसको तो हटा दिया इन लोगों ने। अभी बीटी के टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं और उसके ऑफिशियल टेलीग्राम चलने के बाद यहाँ पर देखेंगे। एक जैसे ही हम टेलीग्राम चैनल पर चलते हो, देखिए कुछ ये वाला इनका टेलीग्राम चैनल था, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बताया था कि अभी पेमेंट निकासी और रिचार्ज करने में, जमा करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो हम लोग नए बैंक लगाएंगे और आपको इससे आपको आराम मिलेगा रिचार्ज करने में और निकासी करने में। तो उन्होंने बोला था कि 5 अप्रैल तक हम लोग अच्छा सा अच्छा काम करेंगे और आपको नई बैंक लगा के देंगे, जिससे आपका विड्रॉल और रिचार्ज बहुत जल्दी जल्दी होगा। फिलहाल अगर बात करते हैं अपडेट के बारे में, क्या अपडेट है दोस्तों, अपडेट की बात यही है कि ये एप्लीकेशन जो बोइंग आया हुआ है ये दोस्तों बीटी का ही सेकेंड एप्लीकेशन है, और आपको 5 अप्रैल की जगह जो है ये हमारा वही 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले ही लॉन्च कर दिया है इन्होंने। ठीक है, तो ये बीटी का 5 अप्रैल को आई थिंक कोई एप्लीकेशन नहीं आएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस एप्लीकेशन में ही वर्क कर लो, बोइंग में ही, क्योंकि अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको मैं कैसे ये बात बोल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये चैनल जो है बीटी का ही चैनल है। और दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर आप देख सकते हैं आज लगभग 3 दिनों से ये लोग बोइंग का ही सारा प्लान डिटेल और एप्लीकेशन लिंक सारी बोइंग के ही डाल रहे हैं। तो समझ लो आप, ये उनके ऑफिशियल चैनल पर बोइंग की सारी डिटेल डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये बोइंग जो एप्लीकेशन आया है, पहली बात तो ये एप्लीकेशन सेम एकदम बीटी के जैसा लग भी रहा है, कैपलर के जैसा लग भी रहा है। और दूसरी बात आपको ये बता दूं कि ये देखिए बीटी का ऑफिशियल चैनल है और उस पर भी इनकी लिंक शेयर की जा रही है, इनके प्लान शेयर करे जा रहे हैं। तो आपको और कितना प्रमाण चाहिए किस चीज़ का, कितना लाइव डेमो चाहिए कि ये एप्लीकेशन इनका नहीं है। फिलहाल तो मैं यही बताना चाह रहा था कि ये एप्लीकेशन इन्हीं का है। आज की डेट में आप देखिए यहाँ पे 2 अप्रैल है, आज यहाँ पे टेलीग्राम पे देखो शो हो रहा है, और ये आज की डेट में अभी इन्होंने कितने टाइम यहाँ पे देखिए सुबह की डेट में इन्होंने 3:20 पे डाला होगा। और देखिए आप यहाँ पे बोइंग का ही ये लिंक बार बार डाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये इनका बोइंग का जो लिंक ये डाल रहे हैं, ये इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि इनका बीटी जो एप्लीकेशन था उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, उसके बाद इन्होंने उसको बंद कर दिया था। और उन यूज़र के लिए यही अपडेट सबसे बढ़िया है, जो लोग बीटी में इन्वेस्ट कर चुके हैं और जो लोग बोइंग में काम कर रहे हैं उनके लिए यही बात मैं बताना चाहूँगा, ये एप्लीकेशन बीटी का ही सेकंड एप्लीकेशन है और 5 तारीख को कोई एप्लीकेशन नहीं आएगा आई थिंक। फिलहाल तो उन्होंने पहले ही लॉन्च कर दिया है, ये चीज़ आप देख सकते हैं इनके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाके देख लेना, वहाँ पर कोई बीटी का नया वर्जन और कोई बात नहीं उन्होंने बाद में बताई, क्योंकि आज 2 तारीख हो गई है और 5 को आना था, इसके लिए वो 1-2 दिन पहले ही इसमें डाल सकते थे कि आपका 5 को आपका एप्लीकेशन जो है आने वाला है। फिलहाल तो कोई वर्जन नहीं आएगा इसका, ये बोइंग ही उसका सेकंड वर्जन है आई थिंक मेरे हिसाब से, बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल तो अपडेट की बात यही है कि आप लोग बीटी में जो पैसा जिन लोगों ने लगाया था वो लोग बोइंग में काम कर सकते हैं। ये बोइंग जी है, बोइंग जो है बोइंग जो एप्लीकेशन है वो भी बीटी का ही एप्लीकेशन है, कैपलर का ही एप्लीकेशन है, और इसके चलने के चांस काफ़ी अच्छे हैं। तो आप लोगों को वर्क उसमें अब बीटी का कुछ भी नहीं खुलेगा और बोइंग का ही सारा कुछ खुलेगा। आप देख सकते हैं सारी इन्होंने जो है जितनी भी लिंक देख लीजिए आप यहाँ से वहाँ तक स्क्रीनशॉट सारे जो है बोइंग के ही ये लोग डालते रहते हैं। तो ये अपडेट आप लोग अच्छे से देख लो और आप लोग बीटी के नए वर्जन के सहारे में मत रहो, अब इसका कोई वर्जन नहीं आएगा, इसका वर्जन ऑलरेडी बोइंग जो है आ चुका है। तो आप लोग इसमें वर्क करना स्टार्ट करो, बीटी के सहारे आपको 5 तारीख के नहीं रहना है, आपको काम करना है। तो इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। अगर आप लोग
आप लोगों को जैसे टेलीग्राम पे सारी जानकारी चाहिए कि कैसे क्या इसमें है, तो इसका वीडियो भी हमने ऑलरेडी बना रखा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप उसको भी डिटेल में देख लेना। फिलहाल आप लोग वर्क करना चाहते हो तो 5 तारीख का वेट ना करके आज इसमें वर्क करना स्टार्ट कर दो। आपको वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अपडेट अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।